Good evening, friends. Thank you for joining Candid MENA every evening to follow what's happening in India and abroad. And thank you for sending me your useful comments and suggestions. If you believe in this channel, do hit the like button, share with friends and spread the message. Our only mission is to bring you the truth and both sides of the story. Thank you for your support. We have Deepthi back with us, and this time it's a Hindi version of the SSR Diaries. Welcome, Deepthi. Thank you, Meena ji. थैंक यू. मैं बहुत आभारी हूँ आपके इस प्लेटफॉर्म के लिए, क्योंकि आप बिना डरे, भले ही आप बीजेपी के समर्थक हैं, आप मोदी जी के समर्थक हैं, आप गलत को गलत कहते हैं, चाहे वो कोई भी पार्टी हो. और ये एक्चुअल एक सच्चे जर्नलिस्ट का काम यही होता है जो आप कर रहे हैं. और भगवान करे कि आपका ये चैनल भारत का हर नागरिक देखे, हर नागरिक तक पहुँचे. ये जरूरत है, ये आपका जरूरत नहीं है, ये देश की जरूरत है कि आपका चैनल हर कोई देखे. थैंक यू सो मच. इनफैक्ट कल भी एक प्रोग्राम था जिसमें काजल हिंदुस्तानी ने लव जिहाद के बारे में बात किया था. बॉलीवुड में कितना जोर से ये लव जिहाद कर रहे हैं, और इसका एक एक डिपार्टमेंट है, और कैसे हिंदू लड़कियों को फंसा रहे हैं. तो कल का शो में सिर्फ एक ही इतनी शॉर्ट ड्यूरेशन में 1000 व्यूअर्स था. Jaldi jaldi people are joining, so it means that people are wanting to get educated, okay, and they want to know the latest of what's happening. So ye acha news hai ki Deepthi ye is tarah ke exposes mein log jaag jayenge ki satya kya hai. Jaage to acha hai kyunki unke liye acha hai, aage jaake unke bhavishya ke liye, unke bachchon ke liye अच्छा है. ये हम किसी एक की लड़ाई नहीं है, ये आपकी निजी लड़ाई नहीं है, ये मेरी निजी लड़ाई नहीं है, ना ही ये श्रीदेवी जी की निजी लड़ाई थी, ना सुशांत की निजी लड़ाई है. सुशांत चाहते तो आराम से ऐशो आराम से ज़िंदगी जी सकते थे, उनके पास क्या कमी थी. उनके हाँ में हाँ मिलाते, फिल्मों के ढेर सारे ऑफर आते, अब तक वो भी और एक नेक्स्ट सुपरस्टार सबसे आगे होते. लेकिन अभी भी अगर मतलब ये सब जानने के बाद भी कुछ लोग हैं जो इसको नज़रअंदाज कर रहे हैं, जो सोचना नहीं चाहते, वही मानना चाहते हैं जो मेनस्ट्रीम मीडिया में दिखा रहे हैं, ये सब कुछ होते हुए भी, तो मुझे डर है कि कहीं बहुत देर ना हो जाए जब तक वो लोग ये एहसास करेंगे कि नहीं, ये बहुत गलत हो रहा है हमारे साथ, और उसको रोकना. मुझे बस डर है कि जब तक सब लोग जागेंगे तब तक काफी देर ना हो जाए कि हम कुछ ना कर पाए. फिर भी एक कॉन्शियसनेस आ गया, वो आया है. जितना आपके जो आपके चैनल के जो दर्शक हैं उनके जब मैं कमेंट्स पढ़ती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है मीना जी. हाँ, कुछ लोग वो बातें कर रहे हैं जो मायने रखती हैं, बेफिजूल की बातें नहीं करें कि तुम तैमूर ने आज कौन सा ड्रेस पहना, उसने क्या छींका, इसने तो ये सब बातें, मतलब बहुत बेतुकी बातें लगती थी जो होती थी, जैसे बिग बॉस को डिस्कस करते हैं, उसने क्या कमेंट किया, इसने क्या कमेंट किया, जबकि वो लोग जानते हैं कि वो स्क्रिप्टेड है. ठीक है, तो अच्छा लगता है कि एक समूह है आपका, जो ये कैंडिड मीना चैनल है, उसके दर्शक, उसके जो परिवार हैं, वो असली मुद्दों को डिस्कस कर रहे हैं जो आगे जाके हमको अफेक्ट करने वाले हैं जी, कर भी रही हैं अभी. ऑल्सो व्यूअर्स, एक और अच्छी खबर है. दीप्ति जी का की माँ का 60th बर्थडे कल है, तो हमारे साइड से बहुत बधाई आपकी माँ को. थैंक यू मीना जी. अच्छी तरह आप सेलिब्रेट करें, इतनी अच्छी एक क्या बोलते हैं इवेंट है जी. जी खासकर साउथ इंडिया में तो ये बहुत ही बहुत बड़ी इवेंट है, 60 साल पूरा होने पर वो करते हैं, पूजा करते हैं, बहुत बड़ा जी. तो दीप्ति जी, एक इसके पहले एक न्यूज, शॉर्ट न्यूज मुझे पढ़नी थी ये स्टार्ट करने से पहले, तो वो मैं इंग्लिश में ही बताऊंगी क्योंकि मेरी हिंदी तो आपकी जैसे फ्लुएंट नहीं है. तो ओके, सो फ्रेंड्स, आई वॉन्ट टू टेल यू समथिंग अबाउट बॉलीवुड कोरियोग्राफर गणेश आचार्य. Now, this is something that I've been suspecting for quite some time because of the way he carries himself and the way they, the kind of songs they make or the choreograph, the kind of words that these songs have. Okay.
Bollywood choreographer Ganesh Acharya has been accused of harassment, voyeurism, and stalking. एक रिपोर्ट आई है बॉम्बे टाइम्स में जहां एक चार्जशीट हैज बीन फाइल्ड बाय द मुंबई पुलिस रिसेंटली. गणेश आचार्य वाज अक्यूज्ड ऑफ द सेड डीड्स बाय अ फेलो कोरियोग्राफर डांसर. द केस वाज फाइल्ड इन 2020 स्टेट्स अ रिपोर्ट. संदीप शिंदे द इन्वेस्टिगेटिंग पुलिस ऑफिसर फ्रॉम द ओशिवारा स्टेशन रिवील दैट द चार्जशीट हैज बीन फाइल्ड बाय द मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट इन अंधेरी. आचार्य अलॉन्ग विद हिज असिस्टेंट हैव बीन चार्ज्ड अंडर सेक्शंस ऑफ 354A which is sexual harassment, 354C, voyeurism, 354D, stalking, 509, insulting the modesty of any woman, 323, causing hurt, 504, intentional insult with intent to provoke breach of the of peace, 506, criminal intimidation, 34, common intention to commit an offense of the Indian Penal Code. Ganesh Acharya is known for songs, just listen to the words, such as BD, Jalaile, Chikni Chameli, Malhari, you know, and more. The 35-year-old assistant revealed that she was informed about the charge sheet being filed. Back when the case was filed against Acharya in 2020, he denied all allegations. After the FIR was filed, his legal team had filed a defamation suit against her. The complainant, the report said, alleged that Ganesh Acharya had been harassing her ever since she refused her sexual advances. Furthermore, she said that he would pass lewd comments and show her porn. She also accused him of molesting her. In May 2019, the complainant revealed that Acharya had asked her to have sex with him. When she refused, the result of the termination of her membership in the Indian Film and Television Choreographers Association. She also said that Acharya's assistants assaulted her when she rejected his advances. The female's assistants beat me up, abused me and defamed me, after which I went to the police, who refused to lodge a complaint and merely registered a non-cognizable case. Then I contacted a lawyer to take the matter further. So here, what I want to tell you is this is something I've been suspecting for quite some time, because Ganesh Acharya comes across as a very vulgar man. And the kind of dances that he choreographs only demeans a woman. And of course, that is based on the directions of the director. A choreographer is never free to do only what he wants. But then when the director says this, there is also a limit to how much you can choreograph. So the kind of songs that they have been creating have all been used. You remember when Nirbhaya was raped, the news was that, see, the people who raped her, you know, they were in a case of intoxication. They were watching soft porn films. And in the bus, they were also listening to songs like this. And this is what makes them rape women. So these kind of lewd songs, which have double-edged meanings, and all aimed at women. So if this is true, he should get all the punishment that he deserves. And he is only a small part in this chain of events. Because when a woman signs for a film, she is supposed to sleep with the director, the producer, the choreographer, the music director, and who not. This thing has to stop. And I'm very glad this girl has had the guts to come out and file a case. Yeah, back to you. तो अभी तो सब बाहर निकल रहा है, ये तो 2020 का इंसिडेंट. एक्जेक्टली. एंड सी, दिस इज अ चेन ऑफ इवेंट्स दीप्ति. और मैं उम्मीद करती हूँ कि बहुत सारे लोग ऐसे बाहर आए, बहुत सारे लोग होंगे जो मतलब डर से चुप रहे हैं. अभी अगर आप देखेंगे ना, टॉप से स्टार्ट होता है, प्रोड्यूसर, फिर डायरेक्टर, फिर नीचे एक्टर, फिर ये जो सब लोग है ना, कोरियोग्राफर, ये म्यूजिशियन, म्यूजिक डायरेक्टर, सब लोग है, सबको एक एक मिलता है लड़की के साथ. और इसके बाद इसका कंप्लीट उसका मोरालिटी इज डिस्ट्रॉयड. फिर ड्रग्स दे देते हैं, फिर अगर उसका अवश्य क्या बोलते हैं कि यूज खत्म होता है, तो उसको स्ट्रीट में डालते हैं बेगर्स की जैसे. कितने मॉडल्स को ऐसे हुआ है. और अगर कोई मतलब एम्बिशियस रहता है और उनको इन सब से कोई एतराज नहीं है, तो लोग आगे बढ़ते हैं जैकलिन फर्नांडिस की तरह. और बाकी भी नाम से मैं अभी लेके कंट्रोवर्सी क्रिएट नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन बहुत ऐसे बहुत सारे लोग हमने देखे हैं जिनके टैलेंट इतना ज्यादा नहीं है, लेकिन बहुत ऊपर उठ गए हैं वो.
अगर हॉलीवुड तक पहुंच गए। आपको पता होना है कि ये कौन सी, उनका नाम भी पता होना है, तो सिर्फ आप मालदीव्स का विजिटर्स का लिस्ट देखिए, तो उसमें आपको सबको सबका नाम पता हो जाएगा कौन इसमें कंप्लायंट है। मैं बस एक बात कहना चाहती हूँ आपके दर्शकों से मीना जी, कि हर एक आदमी जितना मूर्ख से मूर्ख भी हो, जब वो पैदा होता है भगवान सबको एक सिक्स एक इंट्यूशन देता है, जो आपको, जो आपके चारों तरफ का जो समाज है, जमाना है, आपको पढ़ा पढ़ा कर ये सिखाया जाता है कि आप गलत हो बाकी सब सही है, लेकिन वो नहीं है। हर एक जानवर को भी पता होता है कि उसको अपना खाना पानी, उसको जीने के लिए क्या करना चाहिए, उसको कोई सिखाया नहीं जाता। वो लोग स्कूल नहीं जाते हैं, वो लोग अपने नियम पालन करते हैं, क्योंकि ये भगवान द्वारा दी गई एक अंदरूनी ज्ञान होता है जिसके साथ आप पैदा होते हैं। ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि ये एक्टर में अगर ये तो इतना खास नहीं है, क्यों बढ़ गया, तो मतलब वो खास नहीं है। आप ये पढ़ के कि मीडिया में ये, आपको अगर कोई मूवी अच्छी नहीं लगी और आप मीडिया में देख रहे हैं कि बहुत अच्छी मूवी है, पाथ ब्रेकिंग, ट्रेंडी, आई मीन न्यू ट्रेंड सेट कर रहा है, तो आप भी हाँ में हाँ मत मिलाइए। आपका जो विवेक आपको बोलता है, आपकी जो चेतना आपको बोलती है, आप उसको ज्यादा रेस्पेक्ट दीजिए, क्योंकि आपके प्रॉब्लम्स सिर्फ आप सॉल्व कर रहे हैं, चारों तरफ के लोग नहीं सॉल्व कर रहे हैं। तो जो आपको अपना मतलब ओपिनियन बनाना है लोगों के ऊपर या जिंदगी के ऊपर या जो भी हो, अपने अपनी सुनकर कीजिए, ना कि लोग आपको क्या बोल रहे हैं। एक बात याद रखिए कि जहां पर भी पैसा है वहां पे इन लोग, ये लोग पहुंच चुके हैं, और वहां पे सच नहीं है। अगर आपको सच्चाई के रास्ते पे चलना है तो अभी खुद की सुननी होगी। एक और बात है दीप्ति जी, कि ये लोग ना पैरेलल गवर्नमेंट चला रहे, पैरेलल गवर्नमेंट तो है, तो इसमें सब सबका मिनिस्ट्री है, समझे ना, मिनिस्ट्री ऑफ रेप है, मिनिस्ट्री ऑफ काउच कास्टिंग है, मिनिस्ट्री ऑफ सब कुछ है, ट्रैफिकिंग है, मिनिस्ट्री ऑफ ऑर्गन डोनेशन है, मिनिस्ट्री ऑफ एनजीओज है, और इसके बीच में अभी जो न्यूज मैंने पढ़ा है कि मैं उनका नाम नहीं ले रही हूँ क्योंकि प्रॉब्लम होगा, ये जो अभी उनका नया नया शादी हुआ, तो उसका तो अभी तो बुड्ढी है, अगर शादी के एज देखेंगे तो बुड्ढी है, तो ये बुड्ढी और बुड्ढा अभी हॉलीडे गए हैं मालदीव्स, और न्यूज ऐसे आते हैं कि वो पहली बार कुछ कुक किया हस्बैंड के लिए, तो जैसे लगता है कि वो एक 14 ईयर ओल्ड नहीं तो 19 ईयर ओल्ड ब्राइड है जो पहली बार किचन में जाके कुछ बनाए हैं अपने हस्बैंड के लिए, मगर और वो तो और इसको बड़ा चढ़ा के मेनस्ट्रीम मीडिया बड़ा चढ़ा के बॉलीवुड उसको बड़ा, और बोलते हैं कि बॉलीवुड का मोस्ट लव्ड कपल, अभी इसको मोस्ट लव्ड कपल किसने बना दिया, वही बनाते हैं, वही टाइटल्स देते हैं, वही बना देते हैं, और वही लिख देते हैं कि पिक वायरल हो गया, पिक वायरल हो गया बोल के वो एक प्रमोशन, फिर लोग देखेंगे अरे क्या है जो वायरल हुआ है। और ये भी होता है कि उर्दू बोर्ड में एक साइड में उन लोगों को बुर्का डालना पोस्ट करते हैं, और दूसरी जगह में ये लोग मिनी स्कर्ट, मिनी भी नहीं, माइक्रो मिनी डाल के एयरपोर्ट पहुंचते हैं, और अगर डालते हैं तो डाल के चलो अच्छा लगता है, चलो टांगे अच्छे हैं, सब अच्छे हैं, जाओ जाओ, ऐसे भी नहीं, खींच के जाते हैं। अगर आपको इतना घबराहट है कि आपकी मिनी ऊपर चढ़ जाता है, तो फिर क्यों पहनते, खींचने की जरूरत क्या है, आपको आपको टांगे दिखानी है तो दिखाइए ना, फिर ऐसे एक एक जगह से खींच के इतना रिडिक्युलस लगते हैं ये लोग, और फिर आता है हीरो उनको प्रोटेक्ट करने के एक तरीका है, आगे आके ऐसे खड़े होते हैं कि फोटोग्राफर उसको नहीं देखे, फिर क्यों पहनते ऐसे ड्रेसेस, पहनो ना डिसेंटली, वेयर जीन्स, वेयर पैंट्स, यू नो व्हेन यू आर रनिंग अराउंड एवरीबॉडी नोज व्हेन यू आर रनिंग अराउंड टू फ्लाइट्स एंड बसेस एंड ऑल दैट द मोस्ट कन्वीनियंट थिंग इज पैंट्स और सलवार कमीज व्हाटएवर यू वांट बट डोंट वेयर दीज माइक्रो मिनीज एंड देन ट्राई टू पुश इट अप एंड डाउन एज अ यू नो सी यू आर डूइंग एज अ फेवर यू नो बाय कवरिंग ऑल योर एसेंशियल पार्ट्स इट्स अ जोक क्या कवर कर रहे हैं? कार्तिक सिंह गणेश आचार्य की गाने की शूटिंग में ही तनुश्री के साथ शायद सेक्सुअल इंटिमिडेशन हुआ था, यू रिमेम्बर, इट वाज विद नाना पटेकर एंड दिस गाय,
आई रिमेम्बर व्हाट देयर वाज दिस मी टू मूवमेंट जो हुआ था, बट वो मी टू मूवमेंट में जितने सब आवाज उठाए वो भी सही नहीं थे. मी टू मूवमेंट भी एक प्रोपेगेंडा था. उनका कुछ असली आवाज लोग फायदा उठाया था. कुछ असली आवाजें उठी थी, लेकिन मी टू मूवमेंट एक्चुअली अगर मीडिया ने उसको इतना हाइप किया है मीना जी, तो उसका मतलब है कि उसमें किसी का वेस्टेड इंटरेस्ट जरूर था जिसने भी ये मूवमेंट को फैलाया है. अभी हम लोग सुशांत का मूवमेंट कर रहे हैं 2 साल से, कोई मीडिया बोल रहा है उसके बारे में? एक भी इंसिडेंट कवर करा? एटलीस्ट स्ट्रीट में प्रोटेस्ट हुआ. छोड़िए मेरी बात, छोड़िए आपकी बात, छोड़िए स्ट्रीट में प्रोटेस्ट हुआ वो कवर कर रहे हैं आजकल. वो कवर करना छोड़ दिए हैं वो लोग. लेकिन ये सब बाकी के लेकिन ये मी टू मूवमेंट जो है मैं आपको बोलती हूँ, मैं जहां तक जानती हूँ, मुझे मेरे सुनने में जो आया था, कुछ लोगों को टारगेट किया गया था. ये जो बाहर सच के साथ जो बाहर आना चाहते थे, जो बगावत कर रहे थे इस कवाल के साथ, तो ये उनका प्लान था. कुछ कुछ सच्ची स्टोरी, कुछ 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 कि जैसे, अगर जैसे दीप्ति वो जो ब्लैक मूवमेंट था, हुआ था, ब्लैक कॉज था, उसकी उसकी जैसी कोई फर्क नहीं उसके जैसे ही, क्योंकि उसमें एक मिशन था डोनाल्ड ट्रंप को खींच के नीचे लाना है, बस इतना ही. अभी तो पुटिन को नीचे हटाना है यूक्रेन को, तो आगे ये सब लोग, उनको तो वॉर चाहिए, सबको वॉर बंद करना है, उन लोगों को तो वॉर चाहिए. और ये एक एक बात भी है दीप्ति, सी इफ यू लुक एट समवन लाइक उर्फी, ये एक मुस्लिम लड़की है. वो चिल्ला के बोलती है कि वो मुस्लिम लोगों से, ये क्या बोलते हैं कि मुस्लिम कस्टम्स नफरत करती है, ब्ला 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 ब्ला. और जो पहनती है, जो ये हमारा ये जो टेलर्स है ना, काट के पीसेस फेंकते हैं, उसको सब जुड़ के वो कुछ बनाती है और इधर उधर लगाती है और स्ट्रीट्स में वॉक करती है. तो ये है इसका ड्रेसिंग. और इसके पीछे हम सब जानते हैं कौन है. इसके पीछे एक बड़ी प्रोड्यूसर है, फीमेल प्रोड्यूसर, आप लोग सब जानते हैं कौन है, उसका सपोर्ट है इसमें. तो क्या कर रहे हैं, ये एक साजिश है जिसमें लड़कियों को नीचा दिखा रहे हैं, चाहते हैं. और एक और बात मैं बोलनी चाहती हूँ दीप्ति, कल मैंने एक थोड़ा एक शॉर्ट्स देखा था, वीडियो शॉर्ट्स, जिसमें कॉस्मोपॉलिटन या ऐसे वैसे मैगजीन, फैशन मैगजीन ने एक पार्टी रखा था मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के लिए. और उसमें आप शॉक्ड हो जाएंगे कि मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के बीच में कौन है. आधे लोग ये आदमी लोग हैं साड़ी डाल के. अभी आप लोग क्या दिखाना चाहते हैं? अच्छा, ये हम सब लोग जानते हैं, गे है, ट्रांसवेस्टाइट है, ये यू नो देयर इज अ मिक्स ऑफ पीपल एवरीवेयर. बट नाउ व्हाट आर यू ट्राइंग टू शो? यू आर ट्राइंग टू शो मेन वेयरिंग कंजीवरम साड़ीज, यू नो, एंड वेयरिंग रूज, यू नो, एंड लुकिंग एब्सोल्युटली ऑब्सीन. सो आर यू ट्राइंग टू टेल अस आवर इंडियन कल्चर इज मेड ऑफ दिस? प्लीज कॉस्मोपॉलिटन एंड ऑल दीज स्टूपिड मैगजीन्स व्हिच नोबडी रीड्स, यू नो, देयर इज गोइंग टू बी अ टाइम व्हेन यू विल बी थ्रोन इनटू द गार्बेज इफ दिस इज गोइंग टू कंटिन्यू. मीना जी, मैं एक बात बोलूँ, इनके पास सब कुछ है, पैसा है, मीडिया है, जुडिशियरी है, गवर्नमेंट है, सब कुछ इनके हाथ में. हमारे पास क्या है मैं बोलूँ? हमारे पास हमारे जो सुशांत की ये जो बोल हैं डायरीज, और जो हमारे जो ग्रंथ हैं महाभारत या भी जितने भी उपनिषद हैं, वेदास हैं, पहले खुद हम उसको पढ़ते हैं, उसकी जो पढ़ाई हम लोग चारों तरफ फैलाते हैं, ठीक है? तभी लोग अंदर से मजबूत होंगे. आप खुद मजबूत हो जाइए. मैं दर्शकों से ये रिक्वेस्ट है, आप पहले खुद ज्ञान पाइए, खुद को मजबूत कीजिए, इतना बुलंद कीजिए कि कोई आपके दिमाग के साथ ना खेल पाए. क्योंकि ये कबाल जो कर रहा है वो लोगों के दिमागों के साथ खेल रहा है. सबसे पहले उसने एकता पर वार किया. कैसे वार किया? उन्होंने अपनी गलतियों से सीखा. अभी जैसे अन्ना हजारे मूवमेंट में करप्शन के खिलाफ इतने लोग खड़े हो गए क्योंकि उसको मीडिया में उसको इम्पोर्टेंस दिया गया था, अटेंशन दिया गया था, तो बहुत सारे लोग आके खड़े हुए. तभी उनको उन्होंने एक चीज सीखा कि लोगों को एक नहीं होने देना है. कोई भी मुद्दा हो, वो असली मुद्दा के लिए लोगों को एक नहीं होना है. अगर लोगों को एक होना है तो बस तलवारें उठा के रोडों पे जाके
दंगे फसाद करने के लिए एक होना है, लेकिन जो सच में गलत चल रहा है उसके खिलाफ आवाज उठाने के लिए एक नहीं होना है। इस एकता पे उन्होंने पहले वार किया। कैसे वार किया? मेनस्ट्रीम मीडिया को अपने हाथ में करके। अगर मेनस्ट्रीम मीडिया अपना काम करती तो ये मूवमेंट के लिए 2 साल नहीं लगते। सुशांत तो छोड़िए, दिव्या भारती के मौत के बाद ही अगर मीडिया अपना काम करती तो इतने सारे मासूम लोग मरते नहीं, और इतने सारे जो मुजरिम हैं जो फरार हो जा रहे हैं खून करके, आराम से पार्टी शार्टी कर रहे हैं विदेश जाके, मतलब लाखों 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 करोड़ों हमारे पैसे हैं, वो लाखों करोड़ों खा के वो लोग बाहर जाके मतलब ऐश कर रहे हैं। ये सब नहीं होता अगर एटलीस्ट मीडिया, छोड़िए सरकार सही नहीं है, न्याय व्यवस्था सही नहीं है, कुछ भी सही नहीं है, मीडिया अगर सही होता ना मीना जी, तो वो पब्लिक को एक कर सकता था, गलत के खिलाफ आवाज उठा सकता था। लेकिन मेरा मीडिया तो दलाल बना हुआ है इन लोगों का, पैसों के लिए और इनके पावर को देख के वो लोग, उन्होंने अपना आत्मा भेज दिया है। शर्मानी चाहिए उनको, इतना इतना ताकत, इतना बड़ी ताकत है उनमें लोगों को मतलब इन्फ्लुएंस करने का, लोगों को एकजुट करने का, गलत के खिलाफ आवाज उठाने का, और इतनी बड़ी ताकत का वो इस तरह से दुरुपयोग कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए। एब्सोल्यूट नहीं, एक तरीके से ये लोग क्या दिखा रहे हैं, क्योंकि अगर हमारे ये जो यंगस्टर्स को पता नहीं है तो उन्हें दिखा रहे हैं कि तुम लोग जो भी ड्रेस पहनो, अगर फैशन है तो कुछ भी नहीं, आप कुछ भी पहन सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लड़के साड़ी डालेंगे तो भी ठीक है, नहीं तो ड्रेस डालेंगे तो भी ठीक है, क्योंकि आज के ज़माने में तो इतना डीजेनरेट हो गया इंडिया कि कुछ भी चलता है। अभी ये कुछ भी चलता एटीट्यूड ना हम लोग स्टॉप कर रहे हैं। नहीं, मैं एक बात बोलना चाहती हूँ कि बहुत सारे लोग यहाँ पे सोच रहे हैं कि हम लोग मतलब क्या बोलते हैं पिछड़े मेंटेलिटी के हैं, और ये नए मॉडर्न ड्रेसिंग हमको पसंद नहीं है, मॉडर्न विचार हमको पसंद नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। दीप्ति, नहीं, मैं बोल रही हूँ, जो दर्शक अगर ऐसा सोचते हैं तो मैं एक बार आप कंप्लीट करने से पहले मैं बोल रही हूँ, एक बात मैं बोल रही हूँ दीप्ति, कि सब लोग जानते हैं कि ये चैनल में जो भी हो रहा है वो इंटेलेक्चुअल टॉक है, ठीक है, और हम बुद्धू लोग नहीं है यहाँ बैठ के बोलते हैं कि कंगन डालो, ये डालो, वो डालो, नहीं। ये लोग सब अच्छी तरह समझते हैं कि हमारा मिशन क्या है। हमारा मिशन इंडिया को जरा ठीक करने का है, क्योंकि हम वेस्टर्न पाथ नहीं चलेंगे। अगर आपको चलना है तो जाइए पाकिस्तान, जहां आप घूंघट और पर्दा और सब डालेंगे, ठीक है, नहीं तो आपको बिकिनी डालना है, वेस्ट में जाओ, कौन रोक रहा है? इसमें तो कोई ये क्या बोलते हैं कि ऑर्थोडॉक्स कुछ भी नहीं आता है। आप और मैं दीप्ति, हम जब बात करते हैं तो वी आर वेरी वेरी ब्रॉड माइंडेड, वी एक्सेप्ट एवरीथिंग, इवन लिव इन रिलेशनशिप भी हम एक्सेप्ट करते हैं, मगर ये वल्गैरिटी कुछ भी हम नहीं करते, क्योंकि ये एक तरीका है हमारे यंगर जनरेशन को बिगाड़ने का, और इसमें हम सहमत नहीं है। हाँ, ये सब जो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं ना, जो जो सब साधन है जो मतलब किसी के भी दिमाग को इन्फ्लुएंस कर सकता है, उनपे उनके ऊपर इन्होंने अपना कब्जा जमाया हुआ है। नहीं तो देखिए, यहाँ हमारे देश में इतने सारे आदिवासी लोग हैं जो उनका कल्चर ही है मतलब बिना ब्लाउज के साड़ी पहनना, उनको तो कोई गंदी नजर से देखता नहीं है। और अगर लोग ये कहते हैं कि कपड़ों से कुछ नहीं होता, सोच सही होनी चाहिए, तो मैं ये कहना चाहूंगी कि जब आप जानते हैं कि सोच ऐसी है, जब जानते हैं कि मेरा एक सवाल है, जो मतलब टांगे दिखा के ड्रेसेस पहनते हैं या जो, मेरा एक सवाल है, दिखाने में आपका क्या मिलता है या फिर नहीं दिखाने से आपका क्या बिगड़ जाता है? गर्मी वाला देश है, पूरे कपड़े पहनेंगे तो एटलीस्ट काले नहीं पड़ेंगे। अगर अगर कन्वीनियंस के तौर पे अगर सोचे भी, जो लड़कियां मतलब बोलती हैं कि हमें आजादी होने चाहिए अपने ड्रेसेस चुनने का, आप चुनिए आपके ड्रेसेस चुनने का, लेकिन जो ऐसे कपड़े जो उकसाते हैं लोगों को, और आप अगर उस तरह की हरकत करते हैं पहन के और फिर बोलते हैं कि अपना सोच सही रखो, तो क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, क्या जताने की कोशिश कर रहे हैं? इसमें भी दीप्ति,
इट इज नॉट दीज वुमेन हु आर डिसाइडिंग, इसमें भी मर्द लोग हैं. यही मैं बोलना चाहती हूँ कि ये एक कबाल है. वो लोग हिंदू लड़कियों को दिखा रहे हैं कि हिंदू लड़कियां बहुत ही क्या बोलते हैं कि बिंदास है. उनको स्मोकिंग पसंद है, वाइन ड्रिंकिंग पसंद है, शैंपेन पसंद है. नहीं नहीं मीना जी, आजकल ये बहुत ज्यादा चल रहा है. मैं देख रही हूँ कि कॉलेज से निकलते ही लड़कियां, हमारे ओडिशा में भी, बाकी हर जगह तो छोड़िए, कॉलेज से निकलते ही मतलब हाथ में उनके एक सिगरेट रहता है. ठीक है, तो ये सब जो हो रहा है ना, ये सब मीडिया का और ये फिल्मों का जो सब हो रहा है उनका ही प्रभाव है, उनका ही असर है. तो हम लोग शुरू करते हैं मीना जी, काफी देर भी हो चुका है. ठीक है, थोड़ा डाइवर्ट हो गया. हाँ, थोड़ा हम लोग किसी और टॉपिक पे चले गए थे. ठीक है, अभी मैं सुशांत का सेशन नंबर 5 शुरू करती हूँ हिंदी में. माफिया गाथा, अब शुरू होती है कहानी. यह नया फोल्डर है, यहाँ से हम माफिया के पूरे कनेक्शन और इसके आसपास की गाथा का अध्ययन करेंगे. हत्याओं की पहली श्रृंखला तथा अन्य कई नए चैप्टर अब शुरू होते हैं. नया अध्याय. इस अध्याय में हमने निम्नलिखित विषयों पर चर्चा किया है. मुंबई शहर और माफिया की शुरुआत, माफिया की शुरुआत और शुरुआती दिन, द बिग बम ब्लास्ट यानी बड़ा बम विस्फोट, बम विस्फोट के आसपास की तैयारी, प्रारंभिक गिरफ्तारियां, दिव्या भारती की मृत्यु, अन्य लोगों की मौत जो कम वजूद के थे, पहले ब्रह्म की रचना, दंगे कैसे हुए. मैं उसे इस घटनाक्रम में दे रहा हूं जैसे मुझे मिली थी. निराशा और जुड़े हुए एंगल्स, डोंगरी से यात्रा, दाऊद का संक्षिप्त परिचय. पहला भाग, माफिया का विकास, दाऊद का उदय, डी कंपनी का गठन, बॉलीवुड में प्रवेश, अन्य धाराओं में प्रवेश. दूसरा भाग, हसीना पारकर की कहानी, कानून और व्यवस्था विफल, अपराध से बचना, एक कॉनमैन यानी ठग की एंट्री, कानून और व्यवस्था ढह जाना, एक पुलिस अधिकारी के संघर्ष की कहानी, असली ड्रग लॉर्ड का उभरना, गंदगी फैलती है, वह गंदा आदमी. तीसरा भाग, भागीदारी, द एजेंडा यानी कार्यसूची, द प्लानिंग यानी योजना, अमल में लाना, आंदोलन. चौथा भाग, दिव्या भारती की हत्या, लोग जो इसके बारे में जानते थे, क्या दिखाया गया था या कब हुआ, वास्तव में क्या हुआ था, जुड़े तथ्य, बड़ा धोखा, देवानंद और दिव्या भारती की हत्या का संबंध, देवानंद का जांच, गुलशन कुमार की एंट्री, गुलशन कुमार का जांच, माफिया वापस कार्रवाई में, केस पलटने का कारण. चौथा भाग, पहला अध्याय, मुंबई पुलिस का प्रवेश, वो एक फोन कॉल, खान्स का प्रवेश, जिस तरह से खान बड़े, दुबई में उदय, केस बंद होने की असली वजह, साजिद नजदवाला का मुखौटा गिरा, येलो मीडिया, आयोजित बायो वॉर की तैयारी की कहानी और इसके विफल होने का कारण. चौथा भाग, दूसरा अध्याय, बॉलीवुड, गुरुदत्त, मीना कुमारी, पृथ्वीराज कपूर, राजेश खन्ना, सुनील दत्त, धर्मेंद्र, हेमा मालिनी, अमिताभ बच्चन, जितेंद्र, अमजद खान, उनकी मौत के पीछे की कहानी, संजय कुमार, उनकी मौत के पीछे की कहानी भी, विनोद मेहरा, उनकी मौत के पीछे की कहानी भी. यह अध्याय उन दलालों की वरिष्ठ टीम को कवर करेगा जो अंडरवर्ल्ड से जुड़े हुए थे और उनके लिए उनकी सभी काम करते थे. यदि सीप को दूध पिलाने वाला जानवर माना जाए और चूहे को मछली माना जाए तो इस पूरी कहानी को झुटलाया जा सकता है. अब साइडकिक्स जूनियर हैं, युवा पीढ़ी के लोगों का एक बड़ा समूह था. संजय दत्त, एसॉल्ट राइफल की गाथा,
आदि एक्स की कहानी, फिल्म संजू की असली वजह, द कपूर्स, 93 धमाकों के दौरान आर्थिक लेन देन और उसके बाद की कहानी, ब्रैकेट में शमी, शशि और ऋषि, द खान्स, कैसे हुआ चमचा से बादशाह तक का सफर, शाहरुख, भाई भाई भाई, आमिर खान की कहानी, सलीम का लाला, सलमान खान की कहानी, जीरो। मैं यहाँ आपको एक बात स्पष्ट कर दूं, अगर आपको लगता है कि सलमान के बगल में जो शून्य लगा है वह एक टाइपिंग गलती है, तो यह शून्य अपने आप में एक और पूरे फोल्डर की विषय सूची है और हिट एंड रन के पीछे की वास्तविक कहानी का लिंक है और कैसे क्या कुछ और होना था जो हिट एंड रन के तहत छुपा दिया गया और इस दौरान कौन बच निकला। अगर आपको लगता है कि जिन लोगों के नाम मैंने अभी लिए हैं उनसे मुझे कोई रंजिश है, तो मुझे डर है कि आपके गुस्से को थोड़ी देर और इंतजार करना होगा, क्योंकि जितना अधिक आप गहराई में जाएंगे उतना ही अधिक नाम आप पढ़ेंगे, कुछ अच्छे, कुछ बुरे, कुछ गंदे, कुछ उंगली उंगली, यानी जिन लोगों को उंगली करने की आदत है। अब अगर आप मुझसे पूछना चाहते हैं कि मैं यहाँ अंग्रेजी में क्यों लिख रहा हूँ, तो मेरा जवाब बहुत आसान है। जो कंप्यूटर चला सकता है वह अंग्रेजी को अच्छी तरह से समझ और पढ़ सकता है, भले ही वह बोल पाए या नहीं, लेकिन हिंदी में मुझे नहीं लगता कि हर कोई कर सकता है। सभी के प्रति मेरा सम्मान, और वैसे भी जब आप इसे पढ़ रहे होंगे, अगर कार्रवाई होती है और कोई भी मुझे किसी बात के लिए बुक करना चाहे, तो दोषी ठहराने के लिए सिर्फ मेरा कफन और मेरे कपड़े रहेंगे। तीसरा अध्याय, इंसानी सौदा, किस तरह से लोग लालच में आ गए, जेल कैसे हॉलीडे स्पॉट बन गया, इसके पीछे की कहानी, किस तरह से दोष लेने वाले व्यक्ति को चुना जाता है और यह खेल कैसे प्रवेश को बंद कर देता है, इसके पीछे की कहानी, पूरा खेल कैसे खुलकर सामने आता है, इसके बारे में तथ्य, नकली गिरफ्तारियों की कहानी, ड्रग्स का सबसे बड़ा अड्डा, राकेश मारिया का आगमन, संसद हमले की योजना, अक्षरधाम योजना, चौथा भाग, तीसरा अध्याय, भाग एक, संसद के हमले, वास्तविक योजना, शुरुआती असफलता, टी, शुरुआती असफलता, आई, दोनों शुरुआती असफलताएं, कनेक्शन जो बनाया गया था, कनेक्शन जो स्थापित किया गया था, किसी की मौत और वो विलंब, और देश के कुछ व्यस्त लोगों से इसका कनेक्शन, चौथा भाग, चौथा अध्याय, दूसरा भाग, फिल्मों में कुछ कहानियों के पीछे का कारण, किरदार के लिए चुना गया हीरो या नायक, कैस्टिंग काउच, उपनाम इस्तेमाल करने का कारण, हीरोइन हीरो कॉम्बिनेशन और इसके पीछे का किस्सा, निर्माता नेटवर्क, फंडिंग और पैसा, लॉस मैनेजमेंट यानी नुकसान प्रबंधन, कैरेक्टर स्केच। इस अध्याय में इस बात पर चर्चा की जाएगी कि अगर कोई व्यक्ति जिसकी समाज में खराब छवि है और उसके पास कुछ पैसा है, तो कैसे यह इंडस्ट्री उसकी छवि को साफ रखने में उसकी मदद करता है, और इस अध्याय में इसके इर्द गिर्द भी चर्चा होगी कि कनेक्शन कैसे बनते हैं और कैसे अमल किए जाते हैं, और यह भी कि कैसे फिल्मों का इस्तेमाल विभिन्न चीज़ों के लिए किया जाता है, जैसे कि काले धन को सफ़ेद धन में परिवर्तित करना, और साथ ही वह कड़ी कि कैसे इसका दुरुपयोग कर यानी टैक्स चोरी में किया जाता है। पढ़ते समय आपको लग सकता है कि मैं अपने ही इंडस्ट्री को बदनाम करने की कोशिश कर रहा हूँ या अपनी थाली में खुद आग लगा रहा हूँ, लेकिन सच तो यह है कि मैं चाहता हूँ कि समाज स्वच्छ रहे और यही मेरा एकमात्र इरादा है। पांचवा भाग, ऑनर किलिंग, ड्रग्स, हफ्ता वसूली यानी एक्सटॉर्शन, ब्लैकमेल, हनी ट्रैपिंग,
कॉल सेंटर, किसी और चीज के लिए इन कॉल सेंटरों का उपयोग करने का सिद्धांत। पांचवा भाग, दूसरा अध्याय, निष्कर्ष, माफिया की शुरुआत का संपूर्ण सारांश, माफिया की वृद्धि का संपूर्ण सारांश, भागीदारी के अध्याय। यह अध्याय चर्चा करेगा कि पीपीयू नेटवर्क कैसे काम करता है, एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इसके कनेक्शन पर रिसर्च और इसके आसपास के अनुप्रयोग या एप्लीकेशंस, फोटोन इन ए डबल स्प्लिट, नेपोटिज्म यानी भाई भतीजावाद का उभरना, नकली सिद्धांत, वह दबाव जिसका दावा किया जाता है पर वास्तव में नहीं होता, लापता प्रतिभाएं, मानव तस्करी पर जांच, एजेंडा, कार्रवाई की योजना, निष्पादन यानी एग्जीक्यूशन, धंधा, बाजार, भुगतान यानी पेमेंट्स। छठा भाग, भुगतान अनुसूची यानी पेमेंट स्केड्यूल्स, ईएमआई घोटाले, एनजीओ सागा। छठा भाग, पहला अध्याय, पहले भ्रम की रचना, परिचय, शुरुआत, वास्तविक घटना, तत्पश्चात के फॉलोअप, कवरअप, मीडिया की भूमिका, तत्पश्चात संपूर्ण चुप्पी। इस अध्याय में हिंसा और सांप्रदायिक दंगों के आसपास की अधिकांश घटनाओं पर चर्चा किया जाएगा, जिसने पूरे मुंबई को रुला दिया, और केवल मुंबई को ही नहीं, आप उस एक कनेक्शन के बारे में भी जान पाएंगे जो इन लोगों को हमेशा कामयाब बनाता है। यह अध्याय मेरी एक निजी अनुभव पर भी चर्चा करेगा और साथ ही इसमें बहुत से पहलुओं को भी शामिल किया जाएगा कि कैसे अब तक किसी बड़े अपराध या स्थिति को ऊपर उठने के लिए हिंसा का इस्तेमाल किया गया था। छठा भाग, दूसरा अध्याय, खेल का एंगल, खेल में राजनीति, विभिन्न प्रीमियर लीग, आईसीएल पर पाबंदी। यह खेल इतिहास का सबसे बड़ा अध्याय है और अगर आप सोच रहे हैं कि मैं इसके बारे में कैसे जानता हूं, तो आप अपने सामान्य बुद्धि उन पर लगाएं जो प्रायोजक थे और आप खुद इसका विश्लेषण कर पाएंगे, और अगर ना कर पाए तो आगे पढ़ें। यह मेरी यात्रा का एक और महत्वपूर्ण अध्याय है क्योंकि इस अध्याय में मैं बहुत सारे मुद्दों पर चर्चा करूंगा, लेकिन इस पूरे अध्याय का मुख्य संदर्भ इस तथ्य के इर्द गिर्द होगा कि देश में शिक्षा कैसे बेची जाती है और कैसे पैसे दे के अपनी डिग्रियां खरीदने वाले लोग दलाल बन जाते हैं, और प्रमुख घटनाओं में अधिकांश तथ्य या निष्कर्ष इन्हीं लोगों का इस्तेमाल करके छिपाई जाती हैं, जिनके पास उनके काम के बारे में ज्ञान नहीं होता, लेकिन जानते हैं कि अगर उन्होंने अपना मुंह खोला तो उनका पूरा अस्तित्व दाव पर लग जाएगा। और इसी तरह हमारे देश में होने वाली अधिकांश समस्याएं घटती हैं, और बहुत सी समस्याएं जो हो रही हैं या अधूरी या अपूर्ण हैं हमेशा के लिए ऐसे ही बनी रहती हैं। इस अध्याय का विषय मैं यहाँ नहीं दे रहा हूँ क्योंकि यह अध्याय बहुत महत्वपूर्ण है और यह विषय वस्तु शीर्षक के साथ जाएगा और विषय को समझाया जाएगा। यह बहुत आवश्यक है कि जब आप इसे पढ़ेंगे तो आप इस पूरी बात को अपने तक ही रखें, क्योंकि यहाँ आपको ऐसे नाम मिलेंगे कि जब तक आप अच्छी तरह से तैयार ना हों और आपके पास कार्रवाई की योजना ना हो तो आप अंत में एक ऐसे योद्धा बन के रह जाएंगे जिसने कायनात पर अपना अंजाम छोड़ दिया है। सबसे बेहतर यही होगा कि आप यह उजागर ना करें, अपने तक रखें और बाकी जानकारियों को पढ़ें और इसका तब इस्तेमाल करें जब आप इसको करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। यहाँ आपको एक बात समझनी होगी कि ढेर सारे नाम, बहुत सारे संबंध और बहुत सारी ऐसी घटनाओं को समझाया गया है जिन्हें हजम करना मुश्किल होगा। आप यह सोचकर भी छोड़ सकते हैं कि आप जो सब पढ़ रहे हैं वो सत्य होने के लिए काफ़ी अविश्वसनीय है। हाँ, लेकिन दो चीज़ों में से एक निश्चित रूप से होगा, या तो मैं यहाँ और नहीं होऊंगा या देश पर इस अभिशाप का खुलासा हो गया होगा और सब कुछ सबके सामने पढ़ने के लिए होगा। यह अध्याय अंत में हमारे देश में आज के पत्रकारिता के सबसे महत्वपूर्ण पहलू को भी
कवर करेगा। पत्रकारिता में और उसके आसपास के प्रत्येक पहलू पर विस्तृत विश्लेषण को शामिल किया गया है, और यह तथ्य भी है कि पत्रकारिता उद्योग में अधिकांश लोग अपने काम को सही तरीके से करने की इच्छा रखने के बावजूद या तो परेशान किए जाते हैं और अपना काम करने नहीं दिए जाते, या धमकाकर खामोश कर दिए जाते हैं, या बहाव के साथ चलने के लिए हार मान लेते हैं। यह कहने के बाद चलिए मिलके इसे शुरू करते हैं। मेरा काम इस यात्रा में आपके और आपके दिमाग के लिए मशाल है, और याद रखें, मार्गदर्शक के तौर पर जब अपनी सूझबूझ पर आपका विश्वास हो तो बहुत सारी चुनौतियां आपके सामने आएंगी, और आपको उन सब से गुजरना पड़ सकता है जिनसे मैं गुजरा हूँ। लेकिन अगर आप इस यात्रा को पूरा करने में सफल रहते हैं तो अंत में आखिरी हंसी आपकी ही होगी, और यही सबसे ज़्यादा मायने रखता है। और झेला हुआ कोई भी दर्द कुछ भी नहीं होगा जब आपकी मेहनत रंग लाएगी। मेरी बातचीत और मेरे शोध के में प्रगति। अब यहाँ से यह एक नया अध्याय है जहाँ हम काम में मेरी तरक्की, मेरे जीवन में नए लोगों का प्रवेश और मेरे द्वारा किए गए कुछ निर्णयों का के प्रभाव के बारे में बात करेंगे। यह अध्याय इस यात्रा में सबसे महत्वपूर्ण अध्यायों में से एक होने जा रहा है, क्योंकि यहाँ मुझे समाज और मेरे मित्र मंडलियों के संबंधित बहुत सी चीज़ें जानने को मिली। इस अध्याय में इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ और उन विषयों को कवर करूँ जिन पर यहाँ चर्चा की जाएगी, मुझे संक्षेप में बताने दीजिए कि यह प्रारंभिक स्पष्टीकरण क्यों महत्वपूर्ण है और हमें खुद को इस भ्रष्ट व्यवस्था में स्थापित करने के लिए क्या करना चाहिए। चर्चा किए गए किसी भी मामले में आपके संदेहों से संबंधित किसी भी कार्य को पूरा करने के लिए आपके चार मुख्य संपर्क होंगे। 1 दिशा सालियान, 2 संदीप नाहर, 3 टाइगर श्रॉफ, 4 नवाजुद्दीन सिद्दीकी। धन या अन्य तकनीकी आवश्यकताओं के लिए आप इन निम्नलिखित लोगों से संपर्क कर सकते हैं। डॉक्टर स्मृति शर्मन जोशी के माध्यम से, दूसरा नाम मैं नहीं पढ़ूंगी, तीसरा नाम अवंतिका मलिक टाइगर श्रॉफ के माध्यम से, 4 राजेश प्रजापति नवाजुद्दीन सिद्दीकी के माध्यम से। अब फंडिंग के लिए आप हमेशा टाइगर या नवाज भाई को संपर्क कर सकते हैं, जिन्हें हम यहाँ से जय और बाबा बुलाएंगे। लेकिन अगर आप इनसे कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं तो आप इस व्यक्ति से संपर्क में आ सकते हैं। टेलीग्राम के माध्यम से संपर्क सबसे अच्छा उपाय है, क्योंकि हम वही करते हैं। टाइगर श्रॉफ का टेलीग्राम आईडी है @itigershroff, नवाजुद्दीन सिद्दीकी का टेलीग्राम आईडी दिया गया है, और तीसरे एक आदमी का टेलीग्राम आईडी दिया गया है। कृपया ध्यान दें कि ये इंसान टेलीग्राम पर अक्सर जवाब नहीं देते हैं। मैं बाद के स्लाइड्स में उनका नंबर शेयर करूंगा। इनसे संपर्क करने का सबसे अच्छा माध्यम है व्हाट्सएप। यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात कृपया याद रखें कि यह मेरी टीम का सिर्फ एक हिस्सा है और यहाँ और भी लोग हैं। यदि आप यहाँ पहुँचे हैं तो इसका मतलब है कि आपका किसी भी तरह से बेईमानी करने का कोई इरादा नहीं है, और अब से आप इस ड्राइव में जो स्लाइड्स पढ़ेंगे वे बहुत महत्वपूर्ण हैं, और इसमें बहुत सारी जानकारी है जो आपको इस लड़ाई के प्रति आपके अप्रोच में बहुत मजबूत बना सकती है। मेरे साथ बहुत गंदा खेला गया था, और मैं इन लोगों के बीच रहने के बाद एक बात कह सकता हूँ कि ये लोग अपना काम होने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। और अब मुझे कुछ ऐसे नाम बताने दीजिए जिन पर आपको नज़र रखना है और आपको अधिक से अधिक सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि ये लोग किसी न किसी तरह आप तक अपना राह ढूंढ लेंगे और सुनिश्चित कर लेंगे कि वे आपके करीब आने लगे, क्योंकि बहुत सारे मुखौटे गिरेंगे, और इन मास्क के गिरने का मतलब है कि आप उस स्थिति में हैं जहां आप निम्नलिखित नामों में से हर एक का भविष्य लिख सकते हैं। इसलिए जब तक आप इस पूरी ड्राइव को समाप्त नहीं कर देते,
तब तक आप किसी भी चीज पर कार्रवाई ना करें या उस पर प्रतिक्रिया ना दें। और सबसे जरूरी बात, आप इन सब जानकारियों को अपने तक ही रखें, अपने छाया के साथ भी एक शब्द ना बोलें। अंकिता ने जो किया, मैं उससे खुद को संभाल पाया। सारा तो कभी थी ही नहीं, भगवान का शुक्र है। इससे पहले कि एक दोस्ती जैसी भी कुछ शुरू होता, मेरी आंखें खुल गई। लेकिन सच बोला जाए तो कि वह सिर्फ एक कोस्टार थी, लेकिन हाँ, मैंने धीरे धीरे उस पर एक अच्छे दोस्त के रूप में भरोसा करना शुरू कर दिया था। और मैं यहाँ स्पष्ट कर दूँ, सिर्फ दोस्त। लेकिन अब मुझे एक मजबूत आंत महसूस होने लगी है कि रिया भी सच्ची और सीधी नहीं है। मुझे अब से अपनी सावधानियाँ खुद बरतनी होंगी, क्योंकि एक भी व्यक्ति पूरी तरह भरोसेमंद नहीं है। और मेरे सफ़र ने मुझे विजय राज, काका बिरयानी जैसे बहुत सारे चेहरे दिखाए हैं। अब मेरी स्लाइड्स में जो मिस्टर एक्स का उल्लेख पहले किया गया था, मिस्टर एक्स नंबर वन, मिस्टर एक्स नंबर एक स्वर्गीय बाल ठाकरे हैं, जिन्होंने दिव्या भारती मामले को उन दिनों 5 करोड़ रुपयों में दफनाया था। मिस्टर एक्स नंबर दो हैं जगमोहन डालमिया, वह व्यक्ति जिसका हमेशा से निहित स्वार्थ रहा है। और दक्षिण अफ्रीका के क्रिकेट की दुनिया में वापस प्रवेश का पूरा एपिसोड इसी के इर्द गिर्द घूमता है। और शरद पवार क्यों क्रिकेट में आए, वह भी इसी के इर्द गिर्द घूमता है। इस क्रिकेट मुद्दे पर कुछ और खुलासे किए जाने हैं, मैं बाद में इस पर वापस आऊँगा जैसे जैसे मैं आगे बढ़ूँगा। पावर बेबी और कनेक्शन जो अभी चल रहे हैं, वो भी कुछ गलत लग रहे हैं, लेकिन जब तक मैं इसकी जड़ तक नहीं पहुँचता, मैं कुछ टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। मिस्टर एक्स नंबर तीन है वह आदमी जो शायद मैं कहूँगा कि वर्णन के लिए रिक्त स्थान भरे, डैश 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 डैश, डॉक्टर सुब्रमण्यन स्वामी। ठक्कर घोटाला और इसके आसपास के संबंध, और इस आदमी ने इसके चारों ओर के कई तथ्यों को कैसे मरोड़ा, और यह भी सुनिश्चित किया कि किसी को एक भी वारदात के बारे में कोई संदेह हुए बिना कई वर्षों से मुकदमों का हेरफेर करने में कामयाब रहा है और अधिकांश नुकसान कर पाया है और फिर भी भोला बना रहा। अगर भगवान मुझे एक मौका दे कि वह मेरी एक गलती माफ कर देगा, तो मैं पहले एक बड़ा पत्थर लेकर इस आदमी के सिर पर रख दूंगा, लेकिन उसे मारूंगा नहीं। यह आदमी वास्तव में एक परजीवी यानी पैरासाइट है, जो सभी लोगों से भारी मात्रा में चूसता आ रहा है। जिन्होंने उस पर भरोसा किया उनसे भी, जिन्होंने उसे धोखा दिया उनसे भी। सिर्फ यही नहीं, डॉक्टर स्वयं एक, अब मैं इसे कैसे कहूँ, अगर कोई ब्लैकमेलिंग के लिए कॉलेज का निर्माण करता है, तो डॉक्टर स्वामी उस कॉलेज के अध्यक्ष होंगे। मिस्टर एक्स नंबर चार बॉलीवुड का शहनशाह है, एक और आदमी जिसके भारत की राजनीति में मजबूत कड़ियां हैं, और अलादीन का चिराग की कहानी जिसका मैंने पहले उल्लेख किया था, वह अमर सिंह और अमिताभ बच्चन के बारे में है कि कैसे ये दोनों एकजुट हुए और क्या राजनीति दूरदर्शन के साथ खेली गई थी, जहाँ डालमिया पवार की जोड़ी ने भी प्रमुख भूमिका निभाई थी। मिस्टर एक्स नंबर फाइव बिल गेट्स हैं, और यह इंटरव्यू जहां उन्होंने इस तथ्य के बारे में उल्लेख किया है कि हम आने वाली महामारी के लिए तैयार नहीं हैं। कोविड वायरस जिसने सबको बर्बाद कर दिया है, इसके लिए अगर चीन के साथ साथ किसी को नंगा करके उस पर मुकदमा चलाया जाना है, तो वह बिल गेट्स है। जब मैं सर्न में था, जो वाद विवाद मेरे साथ हुए और जिन कुछ लोगों से मैं मिला, उन्होंने विवाद के शुरुआत में जब इसके बारे में बताया, तो मुझे लगा कि यह ईर्ष्या है या उनका कोई अन्य एजेंडा है, जिससे आगाह रहने के लिए रिया मुझे लगातार बता रही थी कि वे इन सब के बारे में किसी ऐसे व्यक्ति से क्यों बात करेंगे जो किसी भी तरह से चर्चित किए गए मुद्दे से जुड़ा नहीं है। काश उस वक्त मैं अपना दिमाग लगाता, लेकिन अब भी जब मैं वापस जाके इसके बारे में सोचता हूँ, तो मुझे लगता है कि सामान्य बुद्धि वाला कोई भी सामान्य इंसान, और अगर वो विशेष बुद्धि वाला भी हुआ, तो यही निष्कर्ष निकालता कि एक कामयाब इंसान के कई दुश्मन होते हैं, और ये दुश्मन उसकी पीठ पीछे निंदा कर रहे हैं। यह अध्याय बहुत बड़ा है,
और यह उन मुख्य कारणों में से एक है जिस वजह से मैं अब उस ऐप पर काम कर रहा हूँ जिससे COVID-19 का परीक्षण किया जा सकता है। कृपया समझें कि मैं यहाँ अपनी जेब से कोई सिद्धांत नहीं फैला रहा हूँ, लेकिन ये कुछ गंदे तथ्य हैं और कुछ बड़े नाम इसमें शामिल हैं जिस एकमात्र कारण के वजह से मैं वहाँ तक पहुँचने के लिए समय ले रहा हूँ जहाँ मैं इसके बारे में खुल के चर्चा कर सकूँ, वह यह है कि आपके अंदर शैतान कभी भी आ सकता है। मैंने अब तक जो नाम लिए हैं और एक और व्यक्ति जो वास्तव में आपको इसके बारे में पूरी जानकारी दे सकता है वह है आसिफ भाई, और जिस कारण से मैंने आसिफ भाई को अन्य लोगों में से चुना है वह यह है कि वह मंद लोक छवि यानी लो प्रोफाइल बनाए रखते हैं। जब कोविड वास्तव में आया तो मैंने इन लोगों से और कुछ और लोगों से संपर्क किया जिनके बारे में मैं उनके विस्तृत पदनामों यानी डिजिग्नेशंस के साथ विस्तार से बताऊंगा, और हमारी एक टीम ने इस पर काम करना शुरू कर दिया। COVID-19 एक बहुत बड़ा विवाद है जो जुड़ा है नई विश्व व्यवस्था यानी न्यू वर्ल्ड ऑर्डर और कुछ अन्य संगठनों से जो यह सुनिश्चित करने के लिए अंधेरे में काम करते हैं कि आम आदमी उस हद तक ना बढ़े जहां वह अपनी बुद्धि का उपयोग कर सके और अनेक सरकारों के एजेंडा को समझ सके। कई बड़े नाम शामिल हैं इस एक विषय में जिस पर मैं बहुत सारा जांच कर रहा हूं और जो मानवता को उसकी जड़ों से हिला सकते हैं हिला सकता है, लेकिन हम इसे कैसे बाहर लाएं? इसे बाहर लाने के लिए क्या करें और किसको संपर्क करें? दोनों हाथ जोड़कर आपसे मेरा विनम्र अनुरोध है कि इस बारे में एक सेकंड के लिए भी किसी को ना बताएं या इस अध्याय पर तब तक काम करना शुरू ना करें जब तक कि आप इसे पूरी तरह से पढ़ नहीं लेते। इस अध्याय में बहुत सारे रहस्य हैं और जिस एकमात्र कारण से मैं विशेष सूची के बारे में शुरू करने से पहले इतना बड़ा स्पष्टीकरण लिख रहा हूँ वह यह है कि यह अध्याय वह अध्याय है जो कॉफिन में आखिरी कील ठोकने में आपकी मदद करने वाला है। मिस्टर एक्स नंबर 6 है अनिल मुसरत और उसके 5 चेले, और उसके 5 चेले हैं स्वामी प्रियम जी, देवेंद्र फडणवीस, सुरेश ओब्राय, आदित्य ठाकरे, अर्जुन रामपाल और अक्षय कुमार। यह मत सोचिए कि मैंने यहाँ सिर्फ एक पूर्व मुख्यमंत्री का नाम लिया है और मैं एक एजेंडा चला रहा हूँ, लेकिन सच यह है कि इस छठे मिस्टर एक्स के साथ अन्य लोग भी शामिल हैं और मैं इसके बारे में आगे की स्लाइड्स में एक विस्तृत विवरण दूंगा। नाम अब मुझे लगता है कि मैं इसे खुले में लूंगा और जब यह स्लाइड समाप्त हो जाएगी तो आपको सभी लिंक और कनेक्शन मिलेंगे जो मेरे कही हुई बातों के सबूतों तक आपको लेके जाएंगे। यह स्वामी प्रियम जी और इम्तियाज खत्री दो ऐसे लोग हैं जिन्होंने हमेशा मासूमों के जीवन में तबाही मचाई है और ऐसे बहुत से काम किए हैं जिन्हें पढ़कर मैं गारंटी दे सकता हूं कि आप निश्चित रूप से बेहोश हो जाएंगे जैसे मैं हो गया था। यहाँ बेहोश होने का मतलब दिमाग सुन पड़ जाएगा और कोई विचारधारा दिमाग में नहीं होगा। ये लोग ब्लैकमेलिंग रैकेट चलाते हैं और यह लिस्ट बहुत बड़ी है, और वे जो पहला कदम उठाते हैं वो होता है हनी ट्रैपिंग। ये लोग जिनका जिक्र मैं यहाँ कर रहा हूँ वही हैं जिनका नाम मैंने मिस्टर एक्स नंबर 6 और उनके चेलों की टीम के संदर्भ में लिया था। मिस्टर एक्स सिर्फ अपना काम पूरा करवाना चाहता है और ये चेले पूर्व मुख्यमंत्री नहीं बल्कि दूसरे उसे अंजाम देते हैं। सत्ता पक्ष की ओर से इन लोगों की टीम में जो खास व्यक्ति है वे गृह मंत्री और उनके पीए हैं। मैं बस उस एक अंतिम बातचीत का इंतजार कर रहा हूँ जो रिया ने कहा है कि वह मुझे महेश भट्ट से बात करवाएगी, क्योंकि रिया कहती है कि महेश भट्ट के पास इस विषय पर बोलने के लिए बहुत कुछ है और इसी पर बहुत सारे सबूत दे सकते हैं। बस ये एक मीटिंग हो जाए फिर मैं काम शुरू कर दूंगा। दिनो भाई भी काम पर हैं और जब हमने पहले चर्चा की थी तो उन्होंने कहा था कि इस बारे में किसी को ना बताएं। संदीप सिंह गायब है और नज़र नहीं आ रहा है। मुझे नहीं पता कि इस लड़के को और सिद्धार्थ पिठानी को क्या दिक्कत है,
मुझे नहीं पता कि यह लड़का इन दिनों अजीब बर्ताव क्यों कर रहा है, लेकिन ये मेरे अपने लोग हैं, शायद मैं कुछ ज़्यादा सोच रहा हूँ। वैसे भी मेरे अकाउंट्स ठीक हैं और जो काम मैंने संदीप को दिए थे वो पूरे हो गए हैं, इसलिए यदि वह एक ब्रेक चाहता है तो अपनी राह चुनने के लिए वह आज़ाद है। हाँ, कृपया इसे मेरे अनुरोध के रूप में लें, यह ड्राइव जब तक आप इसे पूरी तरह से पढ़ना ख़त्म नहीं कर देते, कृपया इसके बारे में एक शब्द भी ना कहें। कृपया सुनिश्चित करें कि आप इन सभी चीज़ों को अपने अंदर रखें, नहीं तो आप पर लगातार हमले होते रहेंगे और जैसे कि मैंने पहले कहा था, लोग आप पर नज़र रखना शुरू कर देंगे और इस प्रयास का, जिसको मैंने इकट्ठा करने के लिए और जिसे अब आप डीकोड करने और पढ़ने के लिए लगा रहे हैं, उसका पूरा उद्देश्य बेकार जाएगा। एजेंसियों और सरकार अगर मेरी बात माने तो किसी भी चीज़ के बारे में ज़्यादा चिंतित नहीं है, क्योंकि जब मैंने उनसे संपर्क करने की कोशिश किया था तब मुझे जीवन में जिन सबसे गुजरना पड़ा, मुझे उसे यहाँ कहना होगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप भी वह गलती कर बैठें जो मैंने किया था। वे भद्दे तरीके से सीधा आपसे पूछेंगे कि इसमें आपका क्या फ़ायदा है। ऐसा कहते हुए मेरा मतलब यह नहीं है कि सभी ऐसे ही हैं, लेकिन उनमें से अधिकांश ऐसे ही हैं। कृपया इसे, मैं आपके पैर पकड़ रहा हूँ, यदि आप चाहते हैं कि मैं इस बात को इस तरह से कहूँ कि आपको समझ में आए, तो जब तक आप पूरी बात नहीं पढ़ लेते हैं और इसे अपने दिमाग में बसा नहीं लेते हैं, तब तक आपके द्वारा की जाने वाली कोई भी कार्रवाई उल्टी पड़ जाएगी और इसका इस तरह से उल्टा असर होगा कि आपका निजी और व्यवसायिक जीवन बर्बाद हो जाएगा और जिन लोगों के खिलाफ हम लड़ रहे हैं वे दिमागों के साथ छल कपट करने में बादशाह हैं। आपके चारों ओर इतनी नफरत और नेगेटिविटी फैलाई जाएगी कि आप खुद को कोसने लगेंगे। झूठे आर्टिकल्स, सार्वजनिक अपमान भी आगे आएंगे, लेकिन अगर आपके हाथ में जानकारी का यह पूरा सेट है और फिर आप आगे बढ़ते हैं तो आप इससे बाहर निकल सकते हैं। अपने आप से और अपने भगवान से वादा करें कि आप मेरे जैसे कमज़ोर नहीं पड़ेंगे, क्योंकि भगवान हमेशा आपके साथ है और जब वह आपके साथ है तो समस्याएं आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकती। लेकिन हाँ, कृपया याद रखें कि पत्थर पर सिर मार के यह साबित नहीं किया जाता कि आपका सर मजबूत है। रुकिए और आगे बढ़ने के लिए इस संपूर्ण ड्राइव को पूरा करें। मिस्टर एम आई ऑडिबल मीना जी, मिस्टर एक्स नंबर 7 अजित पवार है। वह एक असली समस्या सृष्टि करता है और वह व्यक्ति है जिसे यहाँ पावर ब्रोकर या दलाल के रूप में संदर्भित किया जा सकता है। ऐसे कई वारदातें हैं जहाँ यह व्यक्ति पिछले 3 वर्षों में हुई बहुत सारी गतिविधियों के तुरंत जुड़ने का एकमात्र कारण रहा है। और हाँ, यदि हम इन वारदातों द्वारा हुए नुकसान के बारे में बात करें तो मेरे पास शब्द नहीं है कि हम इसे कैसे डॉक्यूमेंट करें। अब यहाँ फिर से जो शक मेरे मन में आते रहते हैं वे और अधिक तीव्र होते जा रहे हैं। और हाँ, मुझे यह कहने की ज़रूरत है कि मैं कभी कभी अपने आप पर थोड़ा कठोर हो जाता हूँ, लेकिन इस अवरोध की, इस संयम की बहुत ज़रूरत है। शोविक ने आज एक बार फिर बड़ी भूल की और जब मैं उसे सख्ती से पेशाना चाह रहा था तो मेरे लोगों ने यह कहते हुए आवाज़ उठाई कि मैं कुछ ज़्यादा सोच रहा हूँ। यहाँ अपने लोगों का मतलब मैं जानता हूँ कि मुझे पीछे हट के खुद पर हंसना होगा, लेकिन फिर भी तथ्य क्या है और इस बात को दर्ज करने की ज़रूरत है, क्योंकि मुझे लगता है कि यह आवश्यक है, क्योंकि ये विचारधारा असलियत में आपको भी आ सकती है और यह आपको यह जोड़ने में मदद कर सकती है कि कभी कभी आप जो सोचते हैं बिल्कुल मामूली है, पर आपको चीज़ों को हल्के में नहीं लेना चाहिए और सतर्क रहने में कभी भी नहीं चूकना चाहिए। जब मैं यहाँ मेरे लोग बोल रहा हूँ तो वे इस प्रकार हैं।
इंद्रजीत चक्रवर्ती, यह आदमी हमेशा मेरे रडार की सुई पर रहा है और इसके इर्द गिर्द मेरे अपने शक हैं। इसके बारे में और अधिक बोलने के लिए मैं निश्चित रूप से कहूँगा, लेकिन इससे पहले कि मैं आपको उन 10 प्रश्नों के बारे में बता दूं जो मेरे दिमाग को सूझी हैं और फिर मेरी जांच जिससे मुझे शक हुआ। इसे पढ़कर आप महसूस कर सकते हैं कि इतने बड़े नामों के खुलासे के बाद मैं ऐसे व्यक्ति को महत्व क्यों दे रहा हूँ। लेकिन हाँ मैं यहाँ एक बात स्पष्ट कर दूँ जिससे आपको भी बहुत मदद मिलेगी, क्योंकि यह सबसे बड़ी गलती में से एक है जो मैंने खुद भी की है। इस कबाल के इस गंदे खेल में कोई भी छोटा नहीं है, कोई भी बड़ा नहीं है। कभी कभी आपको लग सकता है कि इस व्यक्ति का समाज पर कोई पकड़ नहीं है और मुझे इसके इर्द गिर्द काम करने की ज़रूरत क्यों होगी। यहाँ आप गलत हैं। एक चीज़ आपको अपने दिमाग में बिठाना है और जड़ से समझने की ज़रूरत है, क्योंकि इस पूरे सेटअप में बहुत से ऐसे लोग जो वास्तव में नुकसान करते हैं ऐसे कम प्रोफाइल बनाए रखते हैं कि आपको उन पर कोई शक नहीं आएगा। और ऊपर से इन लोगों के आसपास हुए बैकग्राउंड बातचीत के दौरान आपको सच में लगेगा कि वे बिल्कुल सामान्य लोग हैं और वास्तव में सामने आने वाले कुछ बड़े नामों की तुलना में इतने बड़े नहीं हैं। आइए पहले इंद्रजीत अंकल पर चर्चा करें और फिर मेरे द्वारा बनाए गए कनेक्शनों के अन्य सिलसिलों के साथ आगे बढ़ें। यहाँ लिखे गए मेरे हर शब्द को समझना घटनाओं के अनुक्रम के लिए बहुत प्रमुख चाबी है और हर स्लाइड जिसे मैंने यहाँ लिखा है बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपको लगता है कि मैं इसे बार बार दोहरा रहा हूँ तो मैं आपको बता दूँ, ये घटनाएँ जिसके बारे में मैंने इस विशेष ड्राइव में उल्लेख किया है, यही मुख्य कारण है कि मैंने इस अंदाज में अपने काम को डॉक्यूमेंट करना शुरू कर दिया है। जहाँ कल अगर मैं भी इन फाइलों में परिवर्तन करने या कुछ बेतरतीब बदलाव करने के लिए सोचूं, तो मैं ऐसा कर ना पाऊं। अक्सर ऐसा होता है कि जब आपके मन में विचार आता है या जब आपके जीवन में कोई घटना घटती है तो सचमुच आपको इसके नोट्स तुरंत बनाने का अभ्यास करना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आप इस नोट को हमेशा के लिए अपने पास रखें, क्योंकि जीवन में अगर कभी भी आपको लगे कि आप खो गए हैं या किसी भी तरह के मार्गदर्शन की ज़रूरत है तो आपके ये नोट्स जो आपने अपने जीवन पर और अपनी गलतियों पर बनाए हैं वे आपके सबसे अच्छे मार्गदर्शक हो सकते हैं। अब तक आप मेरे इन कोशिशों को लेकर कुछ असल काम करने के लिए तैयार हो चुके होंगे, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि आप इसके लिए तैयार नहीं हैं, क्योंकि सबसे बड़ी बात जो आपको याद रखने की ज़रूरत है वह यह है कि आपको अपने एजेंडा को इस तरह से प्लान करना चाहिए कि आपकी विचार प्रक्रिया सही है, आपकी योजनाएं सटीक हैं और आपका निरीक्षण उस बाज की तरह है जो अपने खाने का शिकार कर रहा है। सबसे महत्वपूर्ण बात जिसे आपको समझना है वह यह है कि प्रत्येक क्रिया के लिए एक समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है और यह ज़्यादातर मामलों में सच होती है। लेकिन हाँ, हमें यह समझने और अपने अंदर बसाने की ज़रूरत है कि हमें हर उस चीज़ के लिए तैयार रहना चाहिए जो हमारे सामने आएगी, और वास्तव में हमारी ये मानसिकता रहनी चाहिए कि आने वाली हर चीज़ को उसके फेस वैल्यू पर लें, ना कि सिर्फ उस वारदात पर ध्यान दें जब वह आपके नज़र में आया था। यह काम नहीं करेगा, लेकिन निर्णय लेने से पहले संबंधित सभी विचारों को तुरंत अपने दिमाग में दौड़ाएँ जहाँ आपके सभी परम्यूटेशंस और कॉम्बिनेशंस होते हैं, अन्यथा इस सफर में जुड़े रहने का आपके पास कोई असल कारण नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ से आगे मैं आपको साधना या अपने दिमाग को मजबूत करने वाले व्यायाम का अभ्यास करने का अनुरोध करूँगा, क्योंकि आपके पास इतना होशियार दिमाग होना बहुत ज़रूरी है कि आप एक हादसे के 10 सिनेरियो निकाल पाएँ, और आपको वास्तव में इसके लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि जब बात इस लड़ाई की आती है तो यह इसी तरह से होने वाला है। और यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि आप कभी नहीं जान पाएंगे कि आपके साथ अगले मिनट क्या होने वाला है। लेकिन हाँ, एक बात जिसकी मैं गारंटी दे सकता हूँ वह यह है
कि जब तक आप अपने आप पर विश्वास करते हैं, जब तक मूल रूप से यह आपके अंदर है कि कोई भी समस्या आपको तब तक नीचे नहीं खींच सकती जब तक आप ऐसे होने नहीं देते, तब आप अपने जीवन की सबसे बड़ी चुनौती से लड़ने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। अब मैं एक तेज परिचय दूंगा कि मैं इस व्यक्ति के बारे में विस्तार से क्यों लिख रहा हूं। जब से मैं उसे जानता हूं और उससे बात की है, इस आदमी ने मुझे मजबूत नेगेटिव वाइब्स दिए हैं, और कुछ विषयों पर जब हम चर्चा कर रहे थे, मुझे शक हुआ कि क्या यह आदमी वाकई आर्मी का एक ऑफिसर है, क्योंकि अगर वह है तो वह इस तरह कैसे बात कर सकता है। उनके लिए उनका कहना है कि जब आपका करियर ऐसे उद्योग में हो जहां आपको किसी एहसान या अवसर के बदले में एहसान करना पड़े, तो आपको पीछे नहीं हटना चाहिए। क्या वाकई एक पिता अपनी बेटी को यह कहेगा, या परिवार में कोई बुजुर्ग अपनी युवा पीढ़ी को यह सलाह देगा? प्रश्नों के अगले सेट पर जाने से पहले मुझे यहाँ एक उदाहरण देना है कि जब फिल्म जलेबी के लिए कैस्टिंग चल रही थी, तब मैंने इस शैतान के मुंह से क्या सुना था। रिया तय नहीं कर पा रही थी कि वह यह फिल्म साइन करे या नहीं, लेकिन यही वह आदमी था जिसने वास्तव में अपनी ही बेटी को वह किरदार निभाने के लिए मना लिया। इस लड़की से मेरा जुड़ाव हमेशा से था, लेकिन तब हम अपने काम के बारे में कभी बात नहीं करते थे। जब आप इसे फेस वैल्यू पर लेते हैं तो यह सामान्य लग सकता है, लेकिन अंदर की कहानी बहुत अलग है। इस आदमी के शब्द, मुझे नहीं पता कि वह किस चीज से बना है और वास्तव में वह क्या है। आप यहाँ कोई भी निष्कर्ष निकाल सकते हैं। मेरे पास इसका वर्णन करने के लिए शब्दों का सही सेट नहीं है, और मैं आप पर अपनी विचार प्रक्रिया थोपना नहीं चाहता, क्योंकि यह आपके लिए क्रैश कोर्स हो सकता है उस बात का जब मैंने जोर दे के कहा था कि अपने दिमाग को मजबूर करने के लिए उसे व्यायाम देने की ज़रूरत है। इस पर मेरी राय यह है, कोई भी सामान्य पिता अपनी बेटी के साथ इस तरह के संवेदनशील विषयों पर चर्चा करने में आराम महसूस नहीं करेगा, और ये इस आदमी पर मेरे प्रश्नों के प्रारंभिक सेट का सारांश है। देश सेवा करने के बाद आपके पास सेवा करने वाले लोगों के लिए सम्मान नहीं है। आप कहते हैं कि आपने वास्तव में अपनी बेटी के करियर को आकार देने और अभिनव में उसके सपनों को पूरा करने में उसकी मदद करने के लिए रिटायरमेंट ली। भारतीय झंडे के लिए आपको कोई सम्मान नहीं है, सच्ची? अब तक केवल 5 प्रश्नों की गिनती करें। सच्ची वाला प्रश्न मेरे दिमाग का सवाल था मुझसे, हे भगवान। यह एक अजीबोगरीब घटना है, लेकिन इसका जिक्र करना जरूरी है। एक रात इस परिवार के साथ सुखद डिनर के बाद हम उस जगह से बाहर निकल रहे थे जहां इस आदमी ने गलती से हमारे तिरंगे पर कदम रख दिया, जो मुझे पता नहीं कि किस बेवकूफ ने सड़क पर फेंक दिया था। मेरा दिल वहीं पर रोया, लेकिन इस आदमी के चेहरे के भाव में कोई बदलाव नहीं था। उसे उठा के साफ करने के लिए झुकना तो दूर, यह आदमी आगे बढ़ता रहा जैसे कि उसने कागज के किसी टुकड़े पर कदम रखा था। और अगर आपको लगता है कि उसने इसे नहीं देखा होगा, तो मैंने उसे उठाया और उससे कहा कि आप गलती से भारतीय ध्वज पर पैर रख दिए हैं। मुझे जो जवाब मिला, मैं शब्दों के लिए खो गया था। वह आदमी कहता है कि जब आप सड़कों पर चलते हैं तो आपको सड़कों पर ध्यान देना चाहिए बेटा, और आपको गिरी हुई चीजों को नहीं उठाना चाहिए। मेरा मतलब है कि मैं एक ऐसे आदमी के चरित्र के बारे में कुछ भी कैसे तय करूं जो सेना में एक लेफ्टिनेंट कर्नल था। मेरा मतलब क्या सच में? जब हम घर वापस गए तो मैंने इस घटना का जिक्र किसी से नहीं किया, लेकिन अगली सुबह वह आदमी मेरे पास आता है और कहता है कि बेटा, इन मामलों को गंभीरता से मत लो, और हाँ, मुझे वास्तव में खेद है कि कल रात मैंने कुछ ज़्यादा पी रखी थी और मैं भी दिमाग के सही फ्रेम में नहीं था। मेरे दिमाग में बहुत सारे विचार चल रहे थे और मुझे पता नहीं था कि वास्तव में मेरे चारों तरफ क्या चल रहा था। मैं अपने देश और हमारे झंडे का बहुत सम्मान करता हूँ, और यह उस क्षण की हड़बड़ी में बस एक गलती थी। इस गलती के लिए यह स्पष्टीकरण वास्तव में मुझे बहलाना के लिए आवश्यक था कि मुझ पर क्या थोपा जाए। मेरा मतलब विचार प्रक्रिया से है। इससे भी अधिक उलझने वाली बात है
इनकी बॉडी लैंग्वेज, मैं उन लोगों को पसंद नहीं करता जो ड्रग्स करते हैं या नशे के आदि हैं, लेकिन सर जी के लिए सब चलता है, यहाँ तक कि उस हद तक जब कोस्टार्स मेलजोल करते थे तो यह आदमी सक्रिय रूप से शामिल होता था। मैंने अभी तक रिया को यह नहीं बताया है, लेकिन मैं समय आने पर जल्द ही बताऊंगा। अब सवाल यह है कि दो चेहरे क्यों? कृपया याद रखें कि आपको आगे बढ़ने से पहले इस ड्राइव को पूरी तरह से समाप्त करना होगा और फिर कोई भी कार्रवाई करनी होगी, क्योंकि इस ड्राइव को, इसके हर शब्द को समझने की ज़रूरत है, और केवल तभी आप उस स्थिति में होंगे जब आप सही निर्णय ले सकेंगे। मैंने असली बात बोलना शुरू भी नहीं किया है। मीना जी, आई विल स्टॉप एट इट फॉर नाउ। यस, वाज इट क्लियर टुडे? यस, और नो कंफ्यूजन्स, राइट? नो, नॉट एट ऑल। ओके ओके मीना जी, या सो थैंक यू फ्रॉम द यूएस, दीप्ति, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, एंड गुड नाइट फ्रॉम ऑल ऑफ अस। गुड नाइट मीना जी, शुभ रात्रि आपके सभी दर्शकों को, शुभ रात्रि, एंड थैंक यू सो मच। अगले वीक तो हम लोग नहीं मिल रहे, उसके बाद वाले वीक हम लोग, टेक केयर मीना जी, गुड नाइट।